हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. भैया अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला. थर्ड टर्म में नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना पक्का है कि नहीं है, देखते हैं. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. वही है ना कि वो जो नीतीश कुमार है वो उस लोटे की तरह है, कभी यहाँ चला जाएगा कभी वहां चला जाएगा. Correct. इस वजह से हमेशा ही ये जो है ना, जब भी कोलिशन होती है कोई भी बंदा जो है सपोर्ट छोड़ सकता है और पूरी कोई गवर्नमेंट को, और वो जो है ना उसका फायदा पूरा उठाएगा, जिससे देश को भी नुकसान हो सकता है. गवर्नमेंट जो चल रही है वो प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाती है. तो चलो देखते हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी की जीत क्यों स्पेशल है? क्यों सीटें कम होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की जीत बहुत बड़ी जीत है, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊं. आज कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि बीजेपी को चूंकि खुद अपने बूते 272 सीटें नहीं मिली हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं होगा कि पीएम बन ही ना पाए? इसका जवाब भी आगे आपको विस्तार से दूंगा, फैक्ट से समझाऊंगा कि पीएम मोदी ही पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे. लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सीटें कम हुई तो कैसे विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगे. विपक्ष इसी तो दादा बन रहे हैं, खुश है कि बीजेपी को अपने दम देखा था हमने. ये राहुल गांधी का देखना, ये फिर इंडियन अमेरिकन रिएक्शन होगा. तो नहीं क्या बन गया, मोदी ने कहा था 400 आएगा और 400 नहीं आया, इसी में बम बम है ये लोग. वो ये भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए को ऐसा बहुमत मिला है जहां से वो आसानी से सरकार बना ले, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. लेकिन एनडीए गठबंधन बड़े भ्रम में, और इस भ्रम में वो किस तरह से अपनी सरकार बनाने की फिराक में है, ये आपको आज इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान से समझ में आ जाएगा. आज नतीजों के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा सोनिया गांधी भी थी उसमें, उन्होंने इशारा कर दिया कि भले ही उनके पास बहुमत नहीं है, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के पास है. जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो आधे से भी कम 100 सीट के पास है. कांग्रेस आसपास भी नहीं है दोनों पार्टी, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश में ये लोग पीछे नहीं रहेंगे. सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं. कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा. बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे. अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे. सारे स्ट्रेटजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे. इसलिए देखो तो सही, इंडी गठबंधन तो बहुमत से बहुत दूर है और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है. ऐसे में होना तो ये चाहिए कि किसी जोड़ तोड़ से इंडी गठबंधन को बचना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन को लगता इतने जोड़ करके इंडिए बनाए इनको और जोड़ कर मोदी की कुर्सी खींच सकते हैं. इंडी गठबंधन नंबर न होने के बावजूद अपनी सरकार बनाने से इनकार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे एनडीए में दो ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी रहे. इसमें एक नेता है नीतीश कुमार और दूसरे नेता है चंद्रबाबू नायडू. इन दोनों नेताओं के इस समय की स्थिति में ठीक ठाक नंबर, और इन दोनों को लेकर बहुत बातें भी चल रही हैं कि इन दोनों का स्टैंड क्या होगा. नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार देंगे, सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं. इसमें नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो कभी बीजेपी में रहते हैं कभी आरजेडी में चले जाते हैं. इस बार बीजेपी के साथ आए थे तो कह रहे थे कि अब कभी वापस नहीं जाऊंगा, अब कभी पलटी नहीं मारूंगा. लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती रहती है, अगर पलटी मारी तो इसका पता चल जाएगा. लेकिन अगर मान लें कि नीतीश कुमार पलटी मार भी ले तो भी एनडीए को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा? मैं आपको जरा समझाता हूं कि नीतीश कुमार का नंबर और चंद्रबाबू नायडू का नंबर जो है दोनों जाए क्या कर सकता है. इस वक्त एनडीए की जो सीटें हैं, एनडीए को इस वक्त जो है वो 290 मान रहे हैं. अभी 291 दिख रहा है लेकिन 290 भी मान लीजिए अगर आप, तो बहुमत का जो आंकड़ा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा था, 290 में आपको बता रहे बहुमत के लिए 272 चाहिए. यानी बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे ऑलमोस्ट 18 सीट प्लस 18 में है इस वक्त एनडीए, प्लस 18 उसकी कितनी है. जेडीयू की सीटें कितनी है,
जेडीयू के पास 12 सीट है, उसने 12 सीटें बिहार में जीती। वो दूसरा टीडीपी के पास जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसके पास 16 सीट है। तो हो गया, दोनों चले हैं। अगर एनडीए में जेडीयू को माइनस भी कर दे, यानी अगर इस 290 से दो गए तब होता, नहीं तो नहीं, जेडीयू की 12 सीट हटा दे माइनस 12 तो भी 278 रहता है, जो कि प्लस 6 है बहुमत से। और अगर वो 16 वाला जाएगा तो भी रहेगा। तो अकेले नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी दें तो भी मामला नहीं बनेगा, और कांग्रेस ही कोशिश करेगी दोनों को लालच देके ले लें। 272 से ऊपर ही रहेगी एनडीए, छोटी सी पार्टी है। कुछ नहीं, को माइनस करें अकेले 290 में से, अगर आप माइनस 16 कर दीजिए तो भी 274 रहता है। तो कांग्रेस यही तो करेगी कि दोनों को ले लें हम लालच दिखाकर, वो यही चलाकी करने की कोशिश करेंगे। भाई चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ दिया, और ये घटिया होंगे तो कर जाएंगे लालच। टीडीपी दोनों को मिलकर एक साथ छोड़ना, वही। और उसमें भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये दोनों छोड़कर जाएंगे भी तो इंडी अलायंस से जुड़कर भी कोई फायदा होगा? कितना हुआ था उनका 234 कितना होगा टोटल? 16 और 12 अगर आप 28 सीट जोड़ भी दीजिए कितनी हुई, तो भी जो है ये 262 ही पहुंचते, 272 नहीं होता उनका, फिर भी नहीं बनता। यानी जेडीयू और टीडीपी के इंडी अलायंस के साथ जाने पर भी उनकी सरकार नहीं बनेगी, और को करेंगे फिर क्या चलेगा इनका। चंद्रबाबू नायडू को की जहां तक बात है, उन्हें तोड़ना बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि पहली बात ये कि चंद्रबाबू नायडू की छवि नीतीश कुमार जैसी नहीं है कि वो जब पलटी मार दे। दूसरी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी से उनका कनेक्शन बहुत पुराना है, सीएम के समय का है। चौथी बात, लोकसभा के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है, और आज ही एक तरफा जीत हासिल की है। तो वही है कि दोनों छोड़ के जाए तब फर्क पड़ता है, पर वहां पे जो INDA उसको फिर भी कम होएगा, वो फिर भी नहीं बन पाएगा बीच में एक एक दो दो। और अगर ये दोनों जाएंगे तो कितने घटिया हैं ये लोग, वो प्रूव हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू तो मोस्ट लाइकली नहीं जाएंगे, इसलिए बात नहीं बनेगी। नीतीश कुमार जा सकते हैं, उनकी रेपुटेशन ऐसी है, बट इंडी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो जीतें। पर ये देखो 12 सीटें और 16 सीट वाली छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, उनको इतनी पावर दे दी देश की जनता ने कि वो डिसाइड करेगी कि अब गवर्नमेंट कौन चलाएगा। ये कितनी भारी गलती की है जनता ने, ये सोचो कि मेजॉरिटी जो है जिसको वोट दिया पार्टी को बीजेपी को, अब उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है ऐसी छोटी पार्टियों के साथ, और ये किसकी बदौलत? जनता की बदौलत। चंद्रबाबू नायडू ने पहले बोल दिया कि मेरे को आंध्र प्रदेश को सुप्रीम स्टेट करना है, मेरे को अपने कच्चे होंगे अपने आंध्र प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए। वो अपना निजी फायदा अपना वो देखेंगे और तंग करेंगे गवर्नमेंट को, मुझे ये पोजीशन चाहिए बिहार के बारे में। दो स्टेट जो है वो कोशिश करेंगे कि चेंज करें चीजों को, मगर ये कोलिशन में ये प्रॉब्लम आता है कि आज अगर बातचीत होके हो भी जाए तो भी ठीक है, क्या पता 5 दिन बाद लफड़ा हो जाए। वही तो मोदी जी ने यही तो समझाया था एक बारी वोट से पहले कि भैया इलेक्शन से पहले जिसको भी देना है पर मेजोरिटी से दो, ताकि वो काम तो कर सके। पर नहीं जनता समझी, नहीं समझे। अब 5 साल देश के 5 साल इंडिया वाले जो बोल रहे हैं मिलेंगे करेंगे, आई डोंट थिंक वो ज्यादा कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको करना चाहिए भी नहीं, ये परे करो कि ना कर पाए, नहीं तो देश का और भट्टाधार होने वाला है। अभी एटलीस्ट ये तो शुक्र मना रही हूं मैं कि मोदी जी तो आ रहे हैं। अब मोदी जी को यही है कि मोदी जी ऐसे ऐसे एक्शंस लो अब इस बारी कि सबकी ना नहीं याद आ जाए। बिल्कुल। तो चलो यार, अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।